Hello butterflies, welcome to my channel. Please like and subscribe my channel. तो आइए आज हम मीना की कहानी सुनते हैं, जिसमें कि मीना की चालाकी ने कैसे उसकी जान बचाई. So let's play the intro. स्कूल की छुट्टी हुई और एक एक करके सारे बच्चे अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन मीना के पापा अभी तक नहीं आए थे. वो दुखी मन से स्कूल के बाहर वाले चाय की दुकान पर गई और चाय वाले अंकल से बोला, अंकल क्या मैं यहाँ पे अपने पापा का इंतज़ार कर सकती हूँ? तो अंकल ने कहा, ठीक है मैं यहीं पर ही हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बुला लेना. फिर वो बैठ के अपने पापा का इंतज़ार करने लगी. वहाँ फिर और एक अंकल आए, वो आकर मीना के पास बैठ गए और उन्होंने मीना से कहा कि मैं आपके पापा का दोस्त हूँ और चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ. मीना थोड़ी देर सोचने लगी कि मैं इनके साथ जाऊँ. फिर उसे एक बहुत अच्छी सी बात याद आई कि एक दिन पापा ने उसे कहा था कि बेटा अगर कभी आप अकेले हो, कोई अनजान आदमी आकर आपसे कहे कि मैं आपके पापा का दोस्त हूँ और क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ, तो आप क्या करोगे? आप उस वक्त क्या करोगे? मेरा मोबाइल नंबर याद रखोगे, मेरे मोबाइल को आप कॉल करके पहले मुझे कंफर्म करोगे, उसके बाद ही आप उसके साथ जाओगे. तो ये बात मीना को याद आ गई. उसने चाय वाले से कहा, अंकल ये मेरे पापा का नंबर है, थोड़ा मेरे पापा को फ़ोन करके पूछो क्या उन्होंने किसी को भेजा है. चाय वाले अंकल ने पापा को फ़ोन किया और पूछा, क्या उन्होंने किसी को भेजा है? पापा चिंता में पड़ गए, बोले, नहीं 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 मैंने किसी को नहीं भेजा, आप थोड़ा मेरी बच्ची का ख्याल रखो, मैं 2 मिनट में पहुँचता हूँ. फिर चाय वाले अंकल डर गए और उन्होंने गुस्से से दूसरे अंकल को देखा और बोला, बदमाश तू बच्ची चुराने आया था, रुक मैं अभी बुलाता हूँ पुलिस को. और वो दूसरा आदमी भागने लगा. चाय वाले अंकल भी उसके पीछे पीछे भागने लगे. उसके कंधे को उन्होंने ज़ोर से पकड़ लिया और पुलिस अंकल को फ़ोन लगाया. थोड़ी देर बाद पुलिस अंकल वहाँ आकर पहुँच गए और चाय वाले अंकल ने उसको छोड़ दिया. फिर पुलिस वाले अंकल ने उसकी कर दी ढाकी टिकी ढाकी टिकी ढाकी टिकी. फिर वो आदमी नीचे गिर गया और पुलिस वाले अंकल ने उसका हाथ पकड़ के उसे खींच खींच के अपने साथ ले गए. उसी समय मीना के पापा वहाँ आकर पहुँचे और मीना उन्हें देख बहुत खुश हुई और दौड़ते दौड़ते अपने पापा के पास गई और उसने सारी बातें पापा को बताई, कैसे चाय वाले अंकल ने उनकी मदद की. फिर पापा ने चाय वाले अंकल का शुक्रिया अदा किया और मीना से कहा, चलो बेटी अब घर चलें. फिर पापा के साथ मीना कार में बैठकर अपने घर चली. घर पहुंचकर उसने अपनी मम्मी को सारी बातें बताई. मम्मी ने उसकी बहुत तारीफ की कि कैसे उसने अपनी जान खुद बचाई. तो बच्चों, क्या आप लोगों ने देखा कैसे मीना ने अपनी होशियारी के तहत अपनी जान खुद बचाई? तो आप भी हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना, कभी भी किसी के झांसे में मत आना, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और ऐसी ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू, गुड बाय.